आप सभी को मेरा प्रणाम। हर्बल रेमेडीज एंड नेचर स्टेजर में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम सिल्वर ओक की बात करेंगे। कितने सुंदर गोल्डन कलर के आप इसके फ्लावर्स देख रहे हैं। और ये प्लांट ऑस्ट्रेलिया का नेटिव है और इंडिया में एक्जोटिक है इसका स्टेटस। और प्रोटेसी फैमिली का ये प्लांट है। इसका प्रोपेगेशन सीड के माध्यम से व कटिंग के माध्यम से किया जाता है। दोनों ही तरह से सक्सेसफुली हो जाता है और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में बहुत इजीली प्रोफाउज फ्लावरिंग के साथ आप देख रहे हैं। और मित्रों, अब हम इसके औषधीय गुणों की अगर चर्चा करें तो मैं कहूँगा कि ये इन्फ्लामेशन के लिए रामबाण औषधि है। इन्फ्लामेशन को क्योर करने वाला ये प्लांट है। इसके लीव्स के अंदर रूटीन नाम का एक केमिकल कंपाउंड पाया जाता है। एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी और एंटी ऑक्सीडेंट एक्सेसिबल होता है। साथियों, इसके फ्लावर्स का अगर आप डिकॉक्शन बनाकर गार्गल्स करेंगे तो सोर थ्रोट की समस्या दूर हो जाती है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि हम उसको एडमिनिस्टर ना करें, अंदर ना लें, हमें उसको बाहर निकालना चाहिए। सोर थ्रोट की समस्या को दूर करता है। इसके फ्लावर्स का आप डिकॉक्शन बनाकर अगर बालों को धोएंगे तो एंटी फंगल एक्टिविटी भी इसके अंदर होती है, जो कि बालों से संबंधित जो समस्याएं हैं उनको दूर करता है। विभिन्न प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं, बालों में जूं हो सकती हैं जिसको लाइसिस कहते हैं, बालों में रूसी की समस्या हो सकती है, फंगल इन्फेक्शन या फिर फंगल ग्रोथ के कारण ऐसा हो जाता है, उन सब को ये दूर करता है। आप इसका छाल का अगर डिकॉक्शन बनाकर घाव को वॉश करते हैं तो वो वाउंड हीलिंग का भी कार्य करता है। कई बार घावों में पस हो जाती है, कीड़े पड़ जाते हैं, ऐसे घावों को भी आप इसके छाल के डिकॉक्शन से धो सकते हैं, आसानी से ये घाव को भरने का भी कार्य करता है। साथियों, इस प्लांट का आजकल कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज़ में भी काफ़ी उपयोग में आ रहा है। चेहरे के मुहासे दूर करने के लिए, पिंपल्स को ठीक करने के लिए, एंटी रिंकल एक्टिविटी होने के कारण इसके फ्लावर्स को, इसके पेस्ट को हम लोग कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में काफ़ी उपयोग में ला रहे हैं। एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए तो ये बहुत अच्छा कार्य करता है। इंटरनल एप्लीकेशन में हमें थोड़ी सी सेफ्टी रखने की आवश्यकता पड़ती है मित्रों, क्योंकि इसके अंदर साइनोजेनेटिक कंपाउंड की बायोसिंथेसिस भी हो जाती है। तो इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा। इसके सीड में मुख्य रूप से साइनोजेनेटिक कंपाउंड हैवी अमाउंट में अकुमुलेट हो जाते हैं, तो उनको आपको सेवन नहीं करना है। लेकिन वो जो हैवी अमाउंट ऑफ साइनोजेनेटिक कंपाउंड्स हैं प्लस कुछ फिनोलिक और फ्लेवोनॉइड जो कंपाउंड है, वो स्किन की प्रॉब्लम्स को दूर करने में काफ़ी सहयोगी होते हैं। जैसे कि सोरियसिस की समस्या है, या स्किन इरिटेशन की समस्या है, या रेडनेस की समस्या है, उस सब को दूर करने के लिए आप इस पत्र, इसके फूल, इसके सीड्स, इसकी छाल सभी उपयोग में ला सकते हैं। वुंड हीलिंग का ये नेचुरली कार्य करता है। इसकी जो छाल होती है, इसके अंदर म्यूसिलेजिनस मटेरियल भी पाया जाता है। उस म्यूसिलेजिनस मटेरियल का या फिर इसकी छोटी सी कटिंग का उपयोग आप टूथपिक समस्या के निराकरण के लिए कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा आप च्यू कर सकते हैं और दांतों के नीचे इसको रख सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि आपको उस जूस को बॉडी के इंटरनली स्वेलो नहीं करना है, उसको आपको इंजेक्शन नहीं करना है, आपको उसको मुंह में रखना है और उसके बाद उसको बाहर निकाल देना है, थूक देना है। ये दांतों की टूथपिक की समस्या को दूर करता है। इसके जो फ्लावर्स आप देख रहे हैं, ये देखिए, इसके जो फ्लावर्स आप देख रहे हैं, ये ग्रीन येलो नेचुरल डाई बनाने में सहायक होते हैं, जो कि सिल्क के डाइंग में उपयोग में आता है। अच्छा, ये डाइंग मटेरियल भी है और नॉर्थ ईस्ट में फोकलोर मेडिसिन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। चक्कर आने की समस्या हो जाती है, वर्टाइगो, उसके लिए तो नॉर्थ ईस्ट में इसका पत्तों का पेस्ट बनाकर फोरहेड पे लगाते हैं, चक्कर आने की समस्या दूर हो जाती है। और कहीं कहीं लिटरेचर में ऐसा वर्णन भी है कि आप अगर आप इसके एक पत्र जो आप देख रहे हैं, इसके एक पत्र का अगर आप ये जो
आप देख रहे हैं, इसको हम एक पत्र कहते हैं। अगर आप इस एक पत्र का डिकॉक्शन बनाकर उसमें शहद मिलाकर सेवन करते हैं तो वो नेचुरल पेन किलर का भी कार्य करता है, जिसको नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग उनका ये रिप्लेसमेंट होता है। फोकलोर मेडिसिन के रूप में नॉर्थ ईस्ट में इसका एक पत्र का उपयोग पेन किलर के रूप में वो लोग करते हैं। कितना इफ़ेक्टिव होगा इसकी स्टडी मैंने तो नहीं की है और मैं इसके एश्योरेंस नहीं देता हूँ। मैं इसको इतना ही मेरा सबमिशन होगा कि आप इसको कॉस्मेटिक पर्पज़ के लिए, एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए ही उपयोग में लाएँ, जो ज़्यादा सेफ़ होता है। मित्रों, ये ऑर्नामेंटेशन के पर्पज़ से अर्बन एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ में, रोड साइड कहीं भी आपको देखने को मिल जाता है। तो आप इसके फ्लावर्स का कॉस्मेटिक पर्पज़ के लिए उपयोग में ला सकते हैं, मुहासों के लिए, पिंपल्स के लिए, हेयर कंडीशनर के रूप में, और अपने त्वचा के रिंकल्स को दूर करने के लिए। नेचुरल गम का भी ये कार्य करता है। आप इस प्रकार से अपने दैनिक जीवन में इसको उपयोग कर सकते हैं। ये प्लांट आप अच्छे से आइडेंटिफाई कर लीजिए, क्योंकि प्लांट का प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन अच्छी औषधीय गुणवत्ता के लिए बेहद ज़रूरी है। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब अवश्य करें, आपको नित्य एक प्लांट की जानकारी मिलती रहे। इन्हीं सब बातों के साथ फिर मिलेंगे। आप सभी का धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।